माध्यमिक शिक्षा परिषद के डायरेक्टर विनय पांडे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19 अक्टूबर से माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित स्कूलों को खोले जाने की तैयारियों की समीक्षा गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्रनाथ सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माध्यमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर विनय पांडे ने 19 अक्टूबर से स्कूलों को खोले जाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। स्कूल के सभी कक्ष में सैनिटाइज किया जाए, सभी छात्र मास्क लगाकर ही स्कूल में प्रवेश करेंगे। छात्रों के मध्य 6 फीट की दूरी रखी जाए जिससे छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाकर रखा जा सके। और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका क्या बोलते हैं कि वो चीजें सामने आए लोगों के। आप स्क्रीन पे मान्यता प्राप्त थे CBSE ICSE को देखते रहेंगे, जो खुद आपके हैं, जिसके की कस्टोडियन आप हैं। अगर उसकी व्यवस्था सही नहीं होगी तो प्रक्रिया आप पे उठेंगी। हाँ नमस्कार सर, पहले मैं इतिहास से बात करूँ, फिर मैं क्या बोलते हैं आपसे डेली सर बात करूँ। जी सर ठीक है। इन्होंने क्या तैयारी सर गोरखपुर के अंदर सर 10 अक्टूबर का जो शासन आदेश हुआ उसके बाद लगातार टीम निरीक्षण करने लगी सर। अभी तक आज की डेट से मैंने और मेरे जो नोडल थे 44 लोग सबने 322 दलों को निरीक्षण कर लिया सर। उसकी फोटोग्राफ मुझे मिल चुकी है और लगातार हमारे जो अखबारों में कवर किया जा रहा है सर। और गोरखपुर तक पहुँच जाएंगे हम सर तक पहुँच जाएंगे सर। वो कल शिवानी पहुँच जाएंगे? नहीं आज रात्रि कल की तक पहुँच जाऊँगा। रात्रि क्यों सर पहुँच जाएंगे जिससे कल के दिन आप इस्तेमाल कर सकें सर। सर 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 मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है सर, जरा किसी चिंता बहुत ही भारी पड़ेगी सर। सर ठीक है, अपने को हॉट वाटर मत डालिए सर। सर ठीक सर, आप वहाँ पे मुस्तैद खड़े रहिए। ये नहीं कोई बात हो जाए तो रियाज साहब को सर। आप वहाँ पे तत्काल पहुँच जाइए, आज रात में पहुँच जाइए वहाँ पे सर। और कल सुबह से आप निरीक्षण करना शुरू कर दीजिए। ठीक सर। देखिए आपका जो है क्या बोलते हैं कि आपका जो मुख्यालय जो जनपद है वो सबसे महत्वपूर्ण है आज तारीख में सर। सर और आपका काम दिखना चाहिए जी सर। आप पूरा एकदम कल सुबह से निरीक्षण करके पूरा देखिए कि आपके विद्यालय में सैनिटाइजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर्वाकिंग हो रही नहीं हो रही, छिड़काव हो रहा कि नहीं हो रहा है, बेंच में दूर लगाए जा रहे नहीं लगाए जा रहे। आपने कितनी मीटिंग करी आपने जो है प्रिंसिपल के साथ? मैंने लगातार सही प्रिंसिपल से मीटिंग कर ली सर। और सबसे क्यों नहीं किया सर? जितने हमारे जुड़े हुए जो रहना है सर वो कल उनको उसी साथ कर लूंगा सर। मीटिंग कितनी हो गई है हमारी? मीटिंग प्रिंसिपल सर 3 बार कर चुका सर। स्कूल बंद थे तो समय नहीं हो पाई, जिसे स्कूल खुलने का हुआ है तो एक बार हमारे जो सूचना आई है लगभग 50% स्कूल में पीटी मीटिंग कर चुके हैं सर हमारे। गोरखपुर सर ठीक है। गोरखपुर जनपद का आज मैंने 10 विद्यालयों का निरीक्षण किया था सर। शहरी क्षेत्र के लिए व्यवस्थाएं कर रखी है सर, सभी जगहों पर थर्मल स्कैनर है। और मैंने ये भी किया कि जहां छात्र संख्या ज्यादा है वहां कम से कम 2 थर्मल स्कैनर, वो लोग खुद सैनिटाइजेशन का काम करा रहे हैं विद्यालय में। और मैंने डस्टबिन 2 जगहों पर नहीं देखने को मिली तो उसके लिए भी मैंने कह दिया। और सभी जगहों पर लोगों ने मास्क भी अतिरिक्त में रखे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर व्यवस्थाएं ठीक है और ठीक रहेगा सर। स्कूल खोलने के लिए सर देख लीजिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एड्रेस दी जाएगी। नहीं सर मैं नहीं समझता कोई शिकायत आएगी, इसको हम पूरा करेंगे सर। पूरा देखिए और जो भी आपके अच्छे काम हो रहे हैं उनका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। नहीं नहीं सर मैंने आज कहा है कि मीडिया में कुछ लोग आ जाए जो निरीक्षण किए हैं वो भी निकल जाए और कुछ फोटोग्राफ्स निकल जाए ताकि लोगों को उसे अवेयर होने का और मौका मिले। ठीक है सर।